हेलो एवरीवन प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन पे आपको छोड़ा था कि बेस्ट केस ऑफ बाइनरी सर्च इज व्हेन वी हैव ओनली वन एलिमेंट इन दी एरे क्या लग रहा है आपको तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल बात ठीक है बट एक्चुअली बेटा ये बिल्कुल गलत है दिस इज रॉन्ग ठीक है आंसर इज नो है वाई नो क्योंकि अगर हम एल्गोरिथम में आकर के देखेंगे तो हम हमेशा ऐसे बोलते थे ना इफ प्रॉब्लम इज स्मॉल तो ये चीज चलेगी और अगर बिग होगी तो ये चीज चलेगी तो स्मॉल वाली बात कैसे आती थी हम बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में करते 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 फाइनली स्मॉल आता था और हम वैल्यू रिटर्न कराते थे तो मतलब ये टर्मिनेशन कंडीशन होती है इससे ऊपर और कुछ नहीं होता प्लीज ध्यान रखना बेटा ठीक है स्मॉल मीनस ये जो इफ वाली बात होती है ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेशन कंडीशन है इससे ऊपर कुछ नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्स से निकालते time हम हमेशा एल्स पार्ट से निकालेंगे इफ वाले का कोई मतलब नहीं होता प्लीज ध्यान रखना तो ये नोट डाल के लिख सकते हो आप जब भी हम डिवाइड एंड कॉनकर कर को के टाइम कॉम्प्लेक्स से निकाल रहे होंगे डिवाइड एंड कॉनकर करके जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्स से निकाल रहे होंगे तो ध्यान ये रखना है हमेशा एल्स पार्ट से एनालाइज करना है एल्स को एनालाइज करना है क्योंकि इफ तो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेशन कंडीशन है जी इससे ऊपर और कुछ नहीं है ठीक तो है मैं लिख देता हूँ इसको तो फिर कहीं कंफ्यूजन आए इफ इज टर्मिनेशन कंडीशन ठीक है एल्गो को रोकने के लिए है जी ये इससे ऊपर और कुछ नहीं है एनालिसिस हमेशा एल्स पार्ट से किए जाएंगे मतलब प्रॉब्लम बिग है तो फिर कैसे करेंगे क्योंकि जनरली हमारे पास एरे का साइज एन एलिमेंट्स का होगा हम बोलते हैं ना लॉग एन एन जो भी कॉम्प्लेक्सिटी जब हम बात करते हैं थीटा कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या है 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 कोई बात साइज एरे तो हम तो एन एलिमेंट्स का एरे लेकर के चल रहे हैं ना वन एलिमेंट का थोड़ी लेकर के चल रहे हैं ठीक है तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता था कि बेस्ट केस कब होगा जब आई ओर्जे बराबर हो जाएंगे तो हम आई के वैल्यू देंगे मतलब एक एलिमेंट कह रहे हो वहां बकवास बात है ऐसा कुछ नहीं होता जी ठीक है बेस्ट केस का मतलब क्या होगा अब यह ध्यान से सुनना जैसे हमारे पास एन एलिमेंट का एरे है ठीक है एन की वैल्यू आप कुछ भी ले लो जैसे सपोज कर लो दस सॉर्टेड एरे लेना ना तीस चालीस पचास साठ सत्तर ठीक है सात एलिमेंट का एरे ले लिया तो बेस्ट केस क्या होगा जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हो दैट इज फोर्टी ठीक है तो सीधा मिड में आए एलिमेंट मिल गया का काम खत्म हो गया मतलब क्या हुआ एल्गोरिथम के हिसाब से वही बात है हम इफ में नहीं हम एल्स पार्ट में ही आए हैं मिड हमने निकाला और जो x की वैल्यू थी वो a मिड निकल आई ठीक है तो हमने सीधा उसको रिटर्न करा दिया काम खत्म हो गया दैट इज द बेस्ट केस ठीक है एरे का elements का साइज n एलिमेंट्स ही लेना है एरे के साइज को हम वन एलिमेंट का नहीं कर सकते ठीक है आई थिंक आप समझ पा रहे हो गए तो एरे इज ऑफ n एलिमेंट्स ओनली तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ले लीजिए सेवन एलिमेंट्स कह रहे हैं ठीक है हमने मिड निकाला क्या है जी फोर्टी तो अगर मैं 40 की ही सर्चिंग करना चाह रहा था तो बस एक कंपैरिजन हुआ काम खत्म हो गया डेट सेट ठीक आई थिंक आपको समझ में गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो चाहे बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो चाहे एवरेज केस हो कुछ भी हो वो सारा कुछ एल्स पार्ट से डिसाइड होगा इफ पार्ट से कुछ भी डिसाइड नहीं होता डिवाइड एंड एल्गोरिथम्स के केस में। क्योंकि इफ इज सिर्फ और सिर्फ ये टर्मिनेशन कंडीशन है इससे ऊपर और कुछ नहीं है ये बात थोड़ी सी टेढ़ी लगती है स्टूडेंट्स को शुरू शुरू में बाद में आदत हो जाती है तो फिर वो चीजों को समझ आते हैं तो आप भी इस बात की आदत बना लो और अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लो नहीं तो एलगोरिदम चला के देख लो इससे ऊपर और क्या बोलो एल्गोरिदम चला के देख लो आपको पता लग जाएगा है ना तो प्लीज ध्यान रखना बेटा स्मॉल इज ये जो स्मॉल वाली पार्ट होता है इट इज जस्ट टर्मिनेशन कंडीशन इससे ऊपर और कुछ नहीं है तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो एल्स पार्ट से करनी है चाहे बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो चाहे एवरेज केस हो सभी केसेस एल्स पार्ट से निकल के आएंगे और कहीं से नहीं निकलते जी ठीक है तो ऑल द केसेस ऑफ द एल्गोरिथम चाहे बेस्ट केस हो चाहे बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो चाहे एवरेज केस हो मेरे को कोई मतलब नहीं है कि सभी के सभी कहां से निकलेंगे जी एल्स पार्ट से निकलेंगे आई थिंक आप समझ पा रहे है जी नोट डाउन करो शायब फटाफट हो गया जी ठीक है जी तो ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा सबको है ना तो ठीक है मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ पूरा पार्ट एक स्क्रीन पे आप नोट डाउन कर सकते हो ठीक है ये भी नोट डाउन कर सकते हो ठीक है आते हैं आगे और वो आ, मैं आप केसेस वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा सर्च के आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो ऐसे फालतू में लेक्चर लंबा की जगह बेस्ट केस का पता है एवरेज केस क्या है वर्स्ट केस क्या है एंड सौन एक एक बात मैंने सारी दिखा रखी है अलग अलग रिकरेंस रिलेशन तक आपको लिख के दिखा रखी है, है ना आई थिंक उसमें मुझे टाइम नहीं लगाना चाहिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो फालतू में कंटेंट रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं ठीक है जी आते हैं आगे ठीक है अच्छा अब एक बार जरा ये देखना ये बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा इस पर जितने तारे बनाने हैं उतने कम है

ना बट वही बात है हमारा तो, एक, आ, तो मतलब एक किस्म से हमारा मेन एम क्या रहता है कि हमारे को प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड एंड कॉनकर लगा रहे हैं डेट है अब इसमें ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि डिवाइड भी होना चाहिए कॉनकर भी होना चाहिए कंबाइन भी होना चाहिए सारे स्टेप्स क्लियरली विजिबल हो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार चिल्ला चिल्ला के समझाया था तो आई होप आपको ये सब बातें याद होंगी तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ठीक है पार्शियल एप्लीकेशन है तो है कंबाइन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है ना बट डिवाइड एंड कॉनकर से सॉल्व तो हुआ है मतलब हमारा काम चला है क्या होगा बिग है तो क्या है तो so मिसिंग है मतलब कंबाइन तो तो क्यों? वाला, वाला कुछ है ही नहीं ना है ना जैसे ही हमने बस मिड से वही बातें है डिवाइड हुआ है ना और ये जो रिकरेंस मतलब सॉरी ये जो रिकर्शन लगाई है हमने बाइन रिसर्च ए वाली एंडसॉन so तो ये कॉनकर हो गया कंबाइन वाली बात हमने कुछ करी नहीं मतलब लास्ट में जाकर के कुछ मल्टीप्लाई करवा रहे हो कुछ डिवाइड करवा रहे हो ऐड करवा रहे हो तो कुछ नहीं किया बस डायरेक्टली हम मिड जो भी होता था मतलब उसको हम रिटर्न करा देते थे आई थिंक पहले हो गया तो कंबाइन स्टेप इज मिस बट स्टिल नो प्रॉब्लम एट ऑल हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना इतना कह सकते हो कि इट इज पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड ठीक है आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया आपको समझ आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और ये बार बार इसकी वर्किंग और वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम मैंने बहुत बार प्रीवियस लेक्चर्स में इसको समझाया है काफी सारे क्वेश्चन भी करा रखे बाधी सर्च में आपको याद आ रहा होगा नहीं याद आ रहा तो प्लीज के लेक्चर्स देखो मेरे ठीक है जी, आपको समझ आ चुका होगा कंबाइन है, तो हो चुक है, so है नहीं ना आप मुझे बताओ है आखिरी में हमने कुछ किया हो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी नहीं किया बस रिटर्न करवा रहे हैं हम तो आई थिंक समझ होगा ठीक है आवा गया हो? अच्छा नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइनरी सर्च डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस ऑफ कोर्स बेस्ट केस में क्या आते थे थीटा वन वर्स्ट केस में थीटा लॉग लॉगन एवरेज केस में भी थीटा लॉग लॉगन नहीं आद आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो है ना ये हमारे को याद आ है अलग कॉम्प्लेक्सिटी थी ऐसा क्यों है अब देखो एक ये बढ़िया बात आपको समझाता हूँ प्लीज ध्यान से समझना बेटा अभी तक जो हमने एलगोर्दम करे थे ये देखो जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था ये मिन मैक्स वाला है ना मिन मैक्स में क्या हुआ था जी हमने ये, ये दो रिकर्सिव कॉल करती ये हो गया जी डिवाइड वाला स्टेप ठीक है ये हो गया जी कॉनकर वाला स्टेप और ये हो गया जी कंबाइन वाला स्टेप उसमें तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारे को नजर आया था सारा कुछ याद आ रहा है ना मिन मैक्स प्रॉब्लम प्रॉब्लम में जो सबसे पहली डिवाइड है कौन कर रहा है? है सब कुछ हमारे पास इसमें फर्स्ट क्लास था अब मजे की बात क्या थी कि हम रस्ते में बीच में कहीं कुछ रिटर्न वगैरह नहीं लिखकर करके बैठे थे हमने सिर्फ एंड में जाकर के लिखा था रिटर्न मिन मैक्स रिटर्न मिन मिनकॉमो मैक्स तो मतलब क्या है कि बीच में से एल्गोरिथम छोड़ के भागने का कोई तरीका नहीं है मतलब बीच में हमने कहीं रिटर्न नहीं लिखा तो बीच में से हम कभी नहीं भाग सकते पूरा एल्गोरिदम चलेगा चाहे कुछ का कुछ हो जाए ऑफकोर्स आप समझते हो अभी पूरा एरे है हमारे को पूरा एरे स्कैन करना पड़ेगा उसके बिना आप कैसे काम कर पाओगे है नहीं बीच में से आधा अधूरा छोड़ छाड़ के तो भाग नहीं सकते तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना है बेटा एल्स पार्ट में आना, देखो टाइम कॉम्प्लेक्स एनालाइज करने के लिए एल्स पार्ट में है इफ में तो जाना नहीं इफ को तो पहले कटा मार दिया करो एल्स में आ जाया करो अब एल्स में जाकर रिटर्न कहाँ बैठा है रिटर्न हमारा बिल्कुल एंड में बैठा है तो इसका मतलब क्या है कि बीच में से हम छोड़ के नहीं भाग सकते पूरा का पूरा चलेगा इसका मतलब क्या होगा बेस्ट केस भी वही होगा वर्स्ट केस भी वही होगा एवरेज केस भी वही होगा सारा का सारा कुछ सेम होगा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला क्योंकि बीच में से हम भाग ही नहीं सकते बेस्ट केस तो बनेगा ना जब बीच में से हम को छोड़ के भाग सकते हैं भाग ही नहीं सकते रिकर्सिव कॉल्स चलनी ही चलनी है सारा कुछ होना ही होना है बीच में हम छोड़ नहीं सकते सिमिलरली जो हमने एक और प्रॉब्लम देखी थी पावर वाली उसमें भी यही सीन था है ना जैसे हमने ये चलो वो तो मैं दूसरे वाला ले आया हूँ मुझे लग रहा है ना ये हमने सी टू वाला नहीं लाते थे और हम सी टू सीवन स्टार सीवन कर देते थे मतलब वही बात है ये ट्रेडिशनल वाला हो गया मतलब जिसमें पूरा डिवाइड एंड कर स्टेप्स सारे नजर आ रहे थे है ना तो ये चलो मैं लिख देता हूं देखो डिवाइड था क्या ये दो कॉल थी तो एक कॉनकर था और ये फाइनली कंबाइन था लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें भी हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टाइम बजा सकते हैं अगर आप ये दो कॉल करोगे तो आती थी एक ही कॉल करते थे तो लॉग इन जब पावर वाला हमने आपको एप्लीकेशन दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर्स देखो मेरे हाँ तो खैर ठीक है मेन बात क्या है कि हम ये सीवन ही रख लेते हैं और सी इज इक्वल टू सी वन स्टार सी वन हम करके रिटर्न सी करा लेते थे याद आ रहा होगा आपको तो ये कॉनकर हो गया और ये हमारा कंबाइन वाला स्टेप हो गया ये हो गया जी डिवाइड ये हो गया जी कॉनकर और ये हो गया जी कम्बाइन ठीक है ये हो गया कम्बाइंड अब इसमें भी ध्यान से देखो टाइम एनालाइज करने गोली मारो इससे हमारा मतलब ही नहीं एल्स में आकर के हमने जब पूरा देखा तो एल्स में जब हमने देखा तो रिटर्न बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है मतलब क्या हुआ पूरा एल्गोरिथम चलेगा जी उसके बाद फाइनली रिटर्न होगा बीच में से कहीं भागने का तरीका हमारे पास है ही नहीं तो अगेन बेस्ट केस भी वही एवरेज केस भी वही वर्स्ट केस भी वही सभी के सभी सेम होंगे, ठीक है मतलब बीच में से हम छोड़ के भाग नहीं सकते बेटा सबसे बड़ी बात यह है बट सबसे अच्छी बात जो हमने अभी देखी बैन रिसर्च में मतलब लास्ट लेक्चर में देखी थी हमने बोल दिया था नजर आ रहा है तो मतलब आप एलग्रोदम को बीच में से छोड़ के भाग सकते हो यस yes, बिल्कुल मिडल वाला एलिमेंट मिल गया तो फिर आगे आप एलग्रोदम को चलाओगे हमारे मिलेगा वही बात खत्म हो गया हमने हमारी है ना हमने बस वो इंडेक्स रिटर्न करा दिया रहेगा तो इसका मतलब हम बीच में से छोड़ के भाग सकते हैं मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट से देखो आई यहाँ रिटर्न क्यों नहीं लिखा भाई सॉरी मैं यहाँ गलती कर गया भाई प्रीवियस लेक्चर में भी इसको ठीक करे ना खैर ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये सारा एल्गोरिथम बना रखा है तो भाई सॉरी फॉर दैट मैं भूल गया लिखना मैं एक बार लिख देता हूँ

है ना आई थिंक आप समझ पा रहे हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर सिर्फ एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है और वो बिल्कुल लास्ट में है तो हम क्या कहेंगे बेस्ट केस वर्स्ट केस एवरेज केस तीनों एक जैसे होंगे क्योंकि हम एल्गोरिथम को बीच में छोड़ के भाग नहीं सकते हमारे को पूरा चलाना पड़ेगा अगर मल्टीपल रिटर्न हैं बीच बीच में कहीं कहीं तो बेस्ट केस वर्स्ट केस केस एवरेज वो अलग अलग नजर आएगा ये बहुत प्यारी बात है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अपने दिमाग में पूरा अच्छे से बिठा करके रखना इससे आप जल्दी जल्दी जल जल पेपर में चीजों को एनालाइज कर पाओगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए बार बार बता रहा हूँ इफ पार्ट को देखना है या एल्स पार्ट को इफ पार्ट को बिल्कुल नहीं देखना सिर्फ एल्स पार्ट को देखना होता है पार्ट में के देखो क्या बिल्कुल लास्ट में है अगर बिल्कुल लास्ट में तो आप बोलोगे केस, केस, केस कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमारे को पूरा चलाना पड़ेगा हर हाल में अच्छा लेकिन अगर रिटर्न स्टेटमेंट्स मल्टीपल हैं बीच बीच में नजर आ रही हैं तो हम सीधी बात क्या करके भागेंगे कि यस देर कैन बी बेस्ट केस वर्स्ट केस एवरेज केस मतलब सब अलग अलग होंगे है ना क्योंकि हो सकता है हम शुरू में रिटर्न करवा दें वैल्यू एंड सो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं

तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं कि बाइनरी सर्च डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बेस्ट केस बिकॉज इन एल्स पार्ट वी हैव मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स है ना वी हैव मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ ये फिर ऐसे टेढ़ा मेढा लिखूंगा ना तो आपको ढंग से समझ नहीं आएगा भाई क्या चल रहा है तो वी हैव मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं जिसके कारण हम ये चीज कह पा रहे हैं अच्छा लेकिन हमने देखा था कि मिनमैक्स में मिनमैक्स uh, प्रॉब्लम में और फाइंडिंग ए पावर एन प्रॉब्लम में वी डू नॉट हैव एनी वे टू एग्जिट मतलब रिटर्न हमेशा एंड में ही हो रहा है सो ऑल द केसेस वर सेम है ना बेस्ट केस वाज कैसा सब सेम थे भी है। हैव एनी वे टू एग्जिट मतलब रिटर्न एंड में होगा मतलब बीच में से छोड़ के नहीं भाग सकता हम एल्गोरिथम को एग्जिट करने का मतलब मेरा यहाँ पे ये यह है कि हम बीच में से एल्गोरिथम को छोड़ के नहीं भाग सकते आपको पूरा चलाना पड़ेगा ठीक है तो रिटर्न हमें एंड में लिखा हुआ है यहाँ पे हम ये बात कहना चाह रहे हैं सो ऑल द सेम सारे के सारे केसेस सेम थे आई थिंक आप सो पारे हो इस सब चीजों को नोट डाउन करो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए मैंने तारे बनाए हैं तो तीनों बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है पहली बात कि यहाँ पे ये पार्शियल एप्लीकेशन है डिवाइड एंड दूसरी बात इसमें बेस्ट केस अलग अलग होगा जो कि अभी तक हमारे को नजर नहीं आए थे प्रीवियस दो प्रॉब्लम्स में बेस्ट केस वर्स केस एवरेकेस सेम थे पिछली दो प्रॉब्लम्स में क्योंकि रिटर्न वॉज इन दी एंड बीच में हमने कहीं रिटर्न लिखा ही नहीं था और नहीं लिखा था तो इसका मतलब क्या है कि हम बीच में एल्गोरिथम को छोड़ के नहीं भाग सकते सिंपल बात है और टाइम कॉम्प्लेक्स

ठीक है जी चलो नोट no डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ हो गया जी आ जाओ आगे ठीक है जी चलो ये सब हो चुका था हाँ तो अब एक छोटी सी बात बस ये तो खैर मैंने काफ़ी बार बता ही चुका हूँ बट फिर भी मैं लिख करके आया हूँ ताकि आप चीज़ों को ध्यान रख सको तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्मॉल बिग डिवाइड कौन कर कम्बाइन डेफिनेशन की पॉन चेंजिंग है ना तो ये अभी तक हमने तीन प्रॉब्लम देखे हैं तीनों के तीनों प्रॉब्लम में स्मॉल की अलग डेफिनेशन थी बिग की अलग डेफिनेशन थी डिवाइड कौन कर कम्बाइन सब चीज़ें अलग अलग थी है ना बट स्टेप्स तो यही थे पहले देखना है स्मॉल है अगर है तो फिर कैसे काम करना है और बिग है तो फिर कैसे काम करना है एंड सॉन्ग ठीक है वही चीज है सारी बट इन ऑल दी एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉनकर वी फाइंड दिस है ना तो नो no डाउट हमने अभी तक तीन प्रॉब्लम करी है तीनों में ये सब कुछ अलग अलग था बट जो भी डिवाइड एंड कॉन्कर की एप्लीकेशन होगी उनमें सारा कुछ आपको नजर जरूर आएगा रखना स्मॉल कब है बिग कब है डिवाइड कैसे करना है कौन कर कैसे करना है कंबाइन कैसे करना है एंड तो अभी जो लास्ट हमने पढ़ी मतलब जो अभी बाइनरी पढ़ रहे हैं उसमें कंबाइन वाली बात मिसिंग है तो कोई बात नहीं हमने बोल दिया पार्शियल एप्लीकेशन है और इससे ऊपर कुछ नहीं ठीक है खैर आई थिंक आप साथ पा रहे नोट डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ओके okay, जी ठीक है चलिए अब हम आते हैं अपनी बढ़िया बात पर दो हजार आठ का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इसके बारे में है ना तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व नहीं करते हम क्या करते हैं हम थोड़ा बहुत तो बैकग्राउंड बनाते हैं ठीक है उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे याद आ रहा होगा फिर भी पढ़ देते हैं एक बार द मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इफ एन इंटीजर अपीयर्स मोर देन एन बाय टू टाइम इन सॉर्टेड एरे ऑफ एन इंटीजर्स सॉर्टेड एरे देखा लॉग इन कॉम्प्लेक्स से देखा तो नाइनटी नाइन परसेंट चांसेस मैंने क्या बताया था बाइनरी सर्च लगने के हैं देखते हैं कैसे लगेगी क्या होगा वो चेक करते हैं तो पहले तो ये बात समझ लो बेटा इसका टेक्निकल नाम इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया इसको हम बोलते हैं मेजोरिटी एलिमेंट ऑफकोर्स मेजोरिटी मतलब क्या होगा कहते हैं ना मेजोरिटी मतलब आधे से ज्यादा हो तो वही बात है मोर देन एन बाय टू टाइम्स कोई एलिमेंट एरे में रिपीट हो रहा है तो दैट मींस इट इज द मेजरिटी एलिमेंट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वही हमारे को नजर आ रहा है

क्वेश्चन को मैंने elements, मैंने? ट्विस्ट कैसे किया देखो, क्या कहा एक sorted array है एलिमेंट्स का और मैंने आपको कह दिया कि मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस एरे में अब मुझे बताओ वो मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा है मतलब हमारे को उसको फाइंड करके देना है इसमें कितना टाइम लगेगा ठीक है अब जो बेसिक आइडिया हमारे को हम ये कहेंगे कि सॉर्टेड एरे क्या रखा है तो बाइनरी सर्च वगैरह लगने के चांसेस हैं एंड सो ऑन तो कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन वो सब हमारे बात दिमाग में आएगी तो पहले तो थोड़ा सा एक बार वही बात है एग्जाम्पल्स लूंगा तो क्लैरिटी आएगी आपको कि कैसे काम करना है देखो भाई एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे सपोज कर लो मैंने तो दस बीस दस तीस दस चालीस दस पचास एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है, टोटल टेन एलिमेंट्स एंड कोर्स आपको दिख रहा है जी, बार-बार हो रहा है, ठीक है ना तो टेन इज दिटी एलिमेंट हेयर सो टेन इज द पहले तो अभी सिंपल बता रहा हूँ अभी, अभी बोलोगे सॉर्टेड डायरेक्ट कहा है आपने तो सॉर्टेड लिया ही नहीं है मैं तो बस अभी बिल्कुल कॉमन सेंस से देखने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं तो बस ये कहना चाहता था मैं यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने टोटल टेन एलिमेंट्स तो मेजोरिटी एलिमेंट एम कौन सा है जी एक आ, देखो दस देखो कितने रिपीट हुआ एक दो तीन चार पांच छह छह बार दस रिपीट हुआ बैठा है तो मेजोरिटी एलिमेंट इज ऑफ टेन क्योंकि दैट इज इज और जो रिपीट रिपीट हुआ हुआ है वो 6 हुआ है वो बार एंड ग्रेटर देन तो सिंपल सी बात है मेजोरिटी एलिमेंट इज टेन इससे और सिंपल मैं नहीं बोल सकता आई थिंक आप पकड़ गए होगे एकदम अच्छे से अच्छा अब मैं क्या माजे देता हूँ तुम्हारे को नाउ लेट मी दिस एरे ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा ठीक है लेट लेटमी शॉर्ट एरे अब सॉर्टिंग करोगे तो दस 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 एक दो तीन चार पाँच छ छह बार दस आ गया उस बाद क्या आएगा जी बीस तीस चालीस पचास ये एरे सॉर्ट हो गया ना ये वाला एरे हमने सॉर्ट कर दिया अब सॉर्ट करने के बाद तुम एक कॉमन सेंस से बात समझो टोटल टेन एलिमेंट्स हैं तो वन प्लस टेन बाई टू दैट इज इलेवन बाई फ्लोर फंक्शन विच कम्स आउट टू बी फाइव इंडेक्स नंबर फाइव तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन फाइव पे कौन बैठा है 10. And 10 is your majority element. तो इसका मतलब क्या होगा कि पे मेरे को majority element दिख रहा है अब एक बार ये समझो कि आपके दिमाग में आएगा कि सर देखो हमने एरे को सॉर्ट किया जैसे ये दस की बजाय अगर बीस होता तो मतलब बीस बार बार रिपीट हो रहा था दस ना हो रहा था बीस बार बार रिपीट हो रहा था तो क्या होता है दस एक बार ही आ जाता फिर आगे तो सारा बीस शुरू हो जाता तुम सब को छोड़ो बस मैं बिल्कुल कॉमन सेंस से समझाता हूँ भाई टोटल टेन एलिमेंट्स का एरे है है ना टोटल टेन एलिमेंट्स का एरे है तो अगर कोई एलिमेंट मेजॉरिटी होगा कोई मेजॉरिटी एलिमेंट होगा तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स टाइम्स रिपीट होगा कॉमन सेंस से बात को समझो ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स टाइम्स उसको रिपीट होना पड़ेगा क्योंकि टेन बाई टू डेट इज नथिंग बट फाइव पांच है। तो पांच से तो ज्यादा बार उसको रिपीट होना चाहिए ना तो मतलब छह छह से ज्यादा बार वो रिपीट हो रहा होगा अगर टेन एलिमेंट्स का पहले लेकर के चल रहे हो तो छह छह से ज्यादा बार वो रिपीट जरूर हो रहा होगा अब अगर वो रिपीट हो रहा होगा छह छह से ज्यादा बार तो अगर सबसे छोटा एलिमेंट एरे का ही मेजोरिटी एलिमेंट है जैसे स्मोलेस्ट एलिमेंट हम मान लेते हैं से वन है एरे का मैंने देखा नहीं अरे मैं बस ऐसे बात कर रहा हूँ वन है तो वन कन्फर्म है बेटा छह बार ही आएगा तो मतलब इंडेक्स नंबर वन से लेकर के इंडेक्स नंबर सिक्स तक हमारे पास वन बार बार रिपीट होगा उसके आगे जो एलिमेंट्स होंगे उनको मारो गोली हमारे कौन मतलब नहीं आगे हो सकता है दो हो पाँच हो दस हो जो भी है उनको मारो गोली मतलब अगर वन इज द मेजोरिटी एलिमेंट तो वन टू सिक्स तक वो आएगा अच्छा दैट इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट एलिमेंट अगर से एक बड़ा है ना मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर हमारा मेजोरिटी एलिमेंट होगा तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पे से वन आया टू मान लेते हैं तो टू शुरू होगा तो टू 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 रिपीट होता चला जाएगा जैसे इंडेक्स वन होगा ये टू ये थ्री ये फोर अप टू सेवन तो दो से लेकर सात तक बार बार दो रिपीट हुआ होगा समझ में आ रही है ना? तो अगर से थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा रहा होगा यू कैन से थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एलिमेंट रहा होगा तो आप स्कोर आगे बढ़ा सकते हो मतलब व, 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 चलो कोई बात नहीं थ्री 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 ऐसे बार बार ही आए होगा तो इंडेक्स नंबर वन टू थ्री तो, तो अपू एट तक हम चले जाएंगे तीन से लेकर आठ तक ये तीन 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 चलता रहा होगा और नौ और दस में से चार पच जैसे जो भी होगा तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी मेजोरिटी एलिमेंट होगा अब इसको भी छोड़ दो इस से इसको भी भी मारो और आसान करता जो मेजोरिटी एलिमेंट रहा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम्स आया होगा तो छह बार आया होगा तो कैसे आया होगा या तो वो वन टू सिक्स तक चला होगा या फिर वो टू टू सेवन चला होगा या फिर वो थ्री टू एट चला होगा या फिर वो फोर टू नाइन चला होगा या फिर वो फाइव टू टेन चला होगा इस बात को पकड़ो पहले तो एक से लेकर छह तक लगातार वो एलिमेंट रिपीट हुआ होगा या फिर दो से लेकर सात तक वो एलिमेंट बार बार रिपीट हुआ होगा या फिर तीन से लेकर इंडेक्स जी ठीक है मतलब एक से लेकर छह तक लगातार वो लगातारिटी एलिमेंट चलता रहा या फिर दो से लेकर एक पहले इंडेक्स पे कोई और एलिमेंट होगा दो से लेकर के सात तक लगातार वो रिपीट होगा क्योंकि छह बार रिपीट करना ना कम से कम छह बार छह से ज्यादा भी कर सकते हैं हम कम से कम छह बार अगर रिपीट करेंगे तो ये सीन बनेगा अब हर हाल में मुझे एक जरा समझाओ। तो 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 दो से सात हो रहा तो भी है, से है तो भी पांच है तीन से आठ है तो भी पांच है चार से नौ है तो भी पांच है पांच से दस है तो भी पांच है तो मतलब पांचवे इंडेक्स पे कन्फर्म है हमारे पास मेजोरिटी एलिमेंट बैठा हुआ मतलब क्या कॉमन सेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मिडल एलिमेंट है वो मेजोरिटी होगा ही होगा पकड़ो जी बात को इतनी बड़ी बात बोली मैंने बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश करी है बात समझ आई हमने कैसे शुरू किया पहले अनसॉर्टेड एरे ले लिया उसमें मैंने आपको बता दिया कि मेजोरिटी एलिमेंट है तो हमने जब तो उसको सॉर्ट किया तो हमारे को समझ में आया कि जो मिड पे बैठा है वो मेजोरिटी आ रहा है तो फिर मेरा दिमाग घुमा कि यार अगर मिड पे बैठा है वो मेजोरिटी आ रहा है तो क्या हर हाल में ऐसा होगा तो फिर हमने चेकिंग करने की कोशिश करी भाई दस एलिमेंट कह रहे होगा तो छह या छह से ज्यादा बार एलिमेंट वो रिपीट हो रहा होगा तभी वो मेजोरिटी है छह या छह से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और एरे सॉर्टेड है सबसे बड़ी बात है, है तो सॉर्टेड है तो वो लगातार चलती रही होंगी वो एक लगातार आएगा है ना लगातार ऐसे नहीं कि एक बार दस आ गया फिर बीच में कुछ और एलिमेंट्स आ गए फिर दस आ गया ऐसे कैसे हो गया भाई सॉर्टेड है लगातार दस से दस से चलेगा तो या तो एक से लेकर छह तक चलेगा या दो से लेकर सात तक चलेगा ये देखो या तीन से आठ तक चलेगा एंड सॉन तो मतलब मोटी मोटी बात क्या समझाए कि मिड पे पांचवा जो इंडेक्स है मिड पे हमेशा हमारे को मेजोरिटी एलिमेंट मिलता है अब सवाल पढ़ो क्या कहा गया था

ठीक है तो यही से हमारे पास आंसर आ जाएगा तो कितनी देर लगी जी अफकोर्स कॉन्स्टेंट टाइम कितना प्यारा और कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था तारे बनाओ इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देंगे लॉग लॉगन लॉग एन बोल के भागेंगे बट एक्चुअली इसमें छोटा सा ट्विस्ट है इसने बोल दिया कि एग्जिस्ट करता है तो अगर एग्जिस्ट करता है उसको फाइंड करने में हम सिर्फ कॉन्स्टेंट टाइम लगाएंगे सुपर पर को लगाने की जरूरत नहीं है बीज वाला देखो काम कहा <laughs> कितना आसान हो गया ठीक है आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ अच्छा आपका स्टूडेंट्स के दिमाग में आया कि सर आपने फ्लोर फंक्शन लेकर के काम किया आई प्लस जे बाई टू अगर आप सीलिंग फंक्शन लेकर के काम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता बेटा अब हम अगर सीलिंग फंक्शन ले लेते ले तो छः आ जाता अभी हमारे पास पाँच आया था ना एक जमा दस बाय दो फ्लोर फंक्शन लिया था तो पाँच आया था सीलिंग फंक्शन करें तो छः आएगा छः में भी देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता एक से छः है दो से सात है तीन से आठ है चार से नौ है पाँच से दस है छह भी हर बार आ रहा है तो पांच हो छे तो मतलब अगर दो दो मिडल एलिमेंट आते हैं जैसे देखो है है अगर इज इवन नंबर ना एवन तो दो मिड आएंगे पांच या छे तो कोई भी हो दोनों के दोनों लोकेशन पे ही हमारा मेजोरिटी बैठा होगा पांच हो या छे कन्फर्म है तो उसी की भी टेंशन मत लेना कि हम मेजोरिटी सर कैसे निकाल रहे हैं फ्लोर फंक्शन से या सीलिंग से जैसे लगाना है मतलब लेफ्ट बाइस्ट है तो फ्लोर फंक्शन याद करो मैंने में बताया था लेफ्ट बाइट फ्लोर फंक्शन राइट बाइस तो तो जैसे मर्जी कर लो मेरे को फर्क नहीं पड़ता चाहे लोकेशन पांच हो चाहे छह हो हमारे को इतना कन्फर्म है कि मेजोरिटी एलिमेंट वहाँ पे मिलेगा कि कितने प्यार और कितनी ब्यूटीफुल बात है ये ठीक है तारे बनाओ बहुत ब्यूटीफुल सवाल है नोट डॉन करो इसको तो हल्का सा ट्विस्ट इन्होंने कर दिया कि एज्यूमिंग मेजोरिटी एलिमेंट एक्सिस्ट इन दी

तो मतलब हमारे को ढूंढना पड़ेगा तो वो बात अलग हो जाएगी ऑफकर्स अलग सवाल है लेकिन जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा मैंने बोल दिया कि एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट करता है तो फिर टाइम कौन सा निकालूंगा बस मिडिल मिडिल वैल्यू रिटर्न कराओ काम खत्म दैट्स इट और पे है हमारा मिडिली एलिमेंट बैठा होगा खत्म दैट्स इट ठीक है तो अब अब आएगा असली मजा ठीक है अब आएगा असली मजा अब देखो मैंने बोल दिया व्हाट इफ लास्ट लाइन इज मिसिंग ये लास्ट लाइन अगर मिसिंग है तो ये गेट का सवाल बन जाएगा तुम्हारा यही वाला ठीक है ना ये ये वाला सवाल बन जाएगा ये वाला है ना मतलब इन सेंस अब इन्होंने बोल दिया ना कि ये वाली लाइन हटा दो आज, एक्जिस्ट मतलब हमारे को पता नहीं करता कि नहीं करता तो फिर ढूंढो जी तो फिर कैसे करोगे अब सवाल उठेगा वही चीज है सपोज तो लेट, लेट कर लेते हैं की सॉर्टेड है पहली बात तो ये ध्यान रखना हमारे है, है ना सॉर्टेड है जैसे दस बीस 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 एक दो तीन चार पांच छ सात सात एलिमेंट ले लिए तो सात बाय दो मतलब तीन ठीक है मतलब तो चार बार ग्रेटर देन और तू हमने कहा था ना मतलब तो ग्रेटर देन एन बाय टू ग्रेटर देन एन बाई टू कहा गया था तो एन बाई टू आ रहा से बड़ा मतलब चार चार या चार से ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा होगा वो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट होगा तो यहाँ पर हमारे को दिख रहा है दिस इज द मेजोरिट एलिमेंट है ना ट्वेंटी इज द मेजोरिट एलिमेंट हमारे को दिख रहा है ठीक है तो अब क्योंकि चार बार रिपीट हो रहा है ना हाँ, तो अब अब जरा मुझे बताओ कैसे हम करेंगे कि अब हमारे को पता ही नहीं है कि मेजोरिटी एलिमेंट uh, है या नहीं है तो अब एक बात आपके दिमाग में कॉमन सेंस आनी चाहिए कि अभी मैंने आपको प्रीवियस सवाल से जो समझाया कि अगर मेजोरिटी एलिमेंट एक्सिस्ट करता होगा तो मिडिल पे होगा उसके अगर मिडिल पे वो मिल जाता तो बहुत अच्छी बात मतलब मिडिल पे ही होगा और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मिडल पे नहीं है तो फिर और कहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता अभी हमने पीछे प्रूव किया था ये आप देख पा रहे हो है ना होना तो अब आप क्या करो सीधा मिडल पे मिडिल तो दो तीन चार पाँच छह सात सात जमा आठ एक बाई दो आठ बाय दो मतलब चार ये इंडेक्स नंबर वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लो जी ये तो मैं क्या कहूंगा कि अगर एग्जिस्ट करता होगा ना मैं जो टेल बनता हूँ ट्वेंटी होगा ट्वेंटी के अलावा कोई नहीं हो सकता इतना हमारे को पता लग चुका है अब सारा का सारा खेल बचता है कि आप ट्वेंटी की फर्स्ट लोकेशन निकालो मतलब सबसे पहले एरे में ट्वेंटी कहां से शुरू हो रहा है और उसके बाद ट्वेंटी की लास्ट लोकेशन निकालो कि मतलब लास्ट में ट्वेंटी तुम्हारे को कहां पे नजर आता है एरे में उससे हमारे पता लग जाएगा एलिमेंट है या नहीं बात समझ आ रही है तो वो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना तो प्रीवियस लेक्चर जब मैं बाली सच पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था वो सब काम हम बाली से बहुत आराम से कर सकते हैं तो मी शो यू हम करेंगे क्या वेरी केयरफुली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऑफकोर्स की एप्लीकेशन है तो इसका

ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जाना राइट हैंड साइड भी जाना तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं फर्स्ट अकरेंस के लिए तो फर्स्ट अकरेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं तो अच्छा तो मैं लिखते जाता हूँ काम कर रहे हैं स्टेप नंबर साथ साथ में लिख देता स्टेप नंबर में हमने क्या किया है जी हमने मिड मिड निकाला है मिड निकाला है और हमारे को पता लग गया कि वो ट्वेंटी आ रहा है और वो हमारे को पता लग गया है कि अगर होगा तो यही है नहीं तो कोई नहीं है तो ये काम करने में हमने सिर्फ कॉन्स्टेंट टाइम लगाया कुछ नहीं लगाया मिड निकालने का मतलब क्या होगा जी आई प्लस जे बाई टू का फ्लोर फंक्शन काम खत्म ठीक है जी तो ये काम हम अब तक कर चुके हैं पहला स्टेप हो गया अब दूसरे स्टेप में हमारे को क्या करना है स्टेप नंबर टू में हमारे को फर्स्ट अकरेंस ऑफ ट्वेंटी निकालनी है फर्स्ट अकरेंस ऑफ ट्वेंटी निकालनी है तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ ट्वेंटी निकालने के चक्कर में हमने क्या किया लेफ्ट वन स्टेप लेफ्ट गए हम वन स्टेप ठीक है वन स्टेप लेफ्ट गए और देखा क्या ट्वेंटी नजर आता है हमारे को नजर आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट वाले एरे में आ जाएंगे तो ठीक है खैर इसको इतना डिटेल में नहीं लिखते हम बस इतना कह देंगे कि इसके लिए हमने बाइनरी सर्च लगाया है

अब इस काम में हमारे को अच्छा खत्म हो गया अब राइट वाले पार्ट में आएंगे राइट वाले पार्ट में आने के बाद हम क्या कहेंगे जो हम वही पे खड़े थे ट्वेंटी पे अब वही बात ऐसे लेफ्ट में गए थे ना तो अब ऐसे राइट में भी एक स्टेप राइट में जाओ देखो क्या ट्वेंटी नजर आता है अगर ट्वेंटी नहीं नजर आ रहा होगा तो हम बोल देंगे कि ये हमारी फर्स्ट अकरेंस है तो ठीक है जी वही बात है हमारे को बाद चाह ट्वेंटी नजर आ रहा है ट्वेंटी नजर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे जी पूरे राइट वाले पार्ट में आएंगे तो मैं आ रहा क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ट्वेंटी पे थे एक बार राइट गए राइट जा करके देखा ट्वेंटी है तो अगर ट्वेंटी है तो फिर पूरे राइट वाले सवेरे में आ जाओ ठीक है और यहाँ पे हमने क्या किया था लेफ्ट वाले में करने के लिए फर्स्ट अकरेंस निकालने के लिए मिड पे जो ट्वेंटी था, था पहले गए लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ट्वेंटी नजर आया यस आया था तो हमने क्या किया था पूरे हम लेफ्ट वाले सब एरे में आगे थे और लेफ्ट वाले एरे में आने के बाद फिर हमने वही बात है मिड निकाला मिड निकलाया ट्वेंटी तो फिर हम गए एक स्टेप लेफ्ट जाकर के देखा टेन नजर आ रहा था तो मतलब पता लगे कि यही हमारी फर्स्ट अकरेंस है ऐसी अब अब वही बात है हम राइट में आ चुके हैं तो राइट में हम एक स्टेप राइट गए देखा ट्वेंटी नजर आ रहा है ये नज़र आया ट्वेंटी तो हम पूरे राइट वाले एरे में आगे बार और बोल रहा हूँ अगर राइट में ट्वेंटी नजर ना आ रहा होता तो हम सीधा बोल करके भाग देते हाँ जी ठीक है लास्ट अकरेंस है ट्वेंटी ठीक है खैर चलो ठीक है आओ वापस आओ हाँ जी तो अब हमारे को यहाँ पे ट्वेंटी नजर आया था तो हम राइट वाले एरे में आए राइट वाले एरे में आने के बाद अब मैं क्या करूंगा जी मिड निकालूंगा मिड क्या निकला जी थर्टी अब थर्टी निकला बट हम ट्वेंटी की खोज में तो ट्वेंटी कहा मिलेगा जी लेफ्ट में राइट में तो मिलने का कुछ ही नहीं, नहीं है तो हम सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट में आ गए तो अगेन वही देख रहे हो ना बास वाली बात ही आ रही है तो लेफ्ट वाले एरे में हमारे जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है एक एलिमेंट और वो हमारे को ट्वेंटी नजर आता है तो बस उसके आगे हमारे को जाने की जरूरत नहीं हम क्या कह देंगे दिस इज द लास्ट अकरेंस तो अगेन वही बात बाइनस लगाई और हमारे को पता लग गया लास्ट अकरेंस का ठीक है जी तो स्टेप नंबर थ्री में क्या हुआ जी फर्स्ट अकरेंस पता लग गई अब हम ढूंढने जा रहे थे लास्ट अकरेंस ऑफ ट्वेंटी उसके लिए भी हमने बांधी सरची लगाया और वो हमारे को क्या इंडेक्स पता लगा है जी फाइव इंडेक्स नंबर फाइव है जी और इस काम को करने में कोर्स थीटा लॉग n टाइम हमारा खर्च हो चुका है अब बस अब हमारा कुछ नहीं बचता तो फर्स्ट अकरेंस आ गई लास्ट अकरेंस आ गई तो हम क्या कहेंगे टू टू फाइव तक ट्वेंटी चल रहा है तो अब ये कितने एलिमेंट्स में ट्वेंटी है फाइव माइनस टू प्लस वन अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन तो पांच चार चार एलिमेंट है हमारे मतलब चार इंडेक्स पे या चार बार कंटी रिपीट हुआ हम ऐसे कह सकते हैं तो अब हम आ, ये स्टेप नंबर फोर हो गया अब ये करने में अफकोर्स कितना टाइम लगेगा ठीक है, ही तो, है और तो कुछ भी नहीं है है मैथमेटिकल जमा घटा और कुछ नहीं ठीक है लूप वगैरह तो कुछ नहीं लगे ना बस इतनी बात किया करो टाइम कम्प्लेक्स देखने के लिए लूप देखा करो जी लूप वगैरह तो कुछ नहीं लगाने टाइम में काम हो जाएगा जी ठीक है ऐसे देखा करो हमेशा सिंपल शॉर्टकट ठीक है ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो सिंपल रखो एकदम मैंने कोई लूप लगाई मैंने कोई रिकर्शन लगाई कुछ नहीं लगाया जैसे सीधा एक फॉर्मला लगाया आंसर निकाला तो बस कॉन्सटें टाइम में हो जाएगा ठीक है जी अच्छा जी अब बस अब स्टेप नंबर फाइव में हम क्या करेंगे बस वो चेकिंग करना चाहते हो आप तो हम चेक करेंगे क्या फोर ग्रेटर देन है सात एलिमेंट है ना सेवन बाय टू का ठीक है सेवन बाय टू से देख लो बस ठीक है तो सेवन बाई टू आया थ्री पॉइंट फाइव तो फोर ग्रेटर देन थ्री पॉइंट फाइव ये तो हम क्या कह देंगे कि यस ट्वेंटी इज द मेजोरिटी एलिमेंट काम खत्म और अगर ना होता तो फिर हम नो कर देते और क्या होता है ठीक है आई थिंक आप तो पांच स्टेप में काम हुआ तो अल्टीमेटली लॉग एन लॉग एन दो बारी है और तो कुछ है ही नहीं तो फाइनली ओवरऑल कॉम्प्लेक्सल कर गई जी ठीटा लॉग एन पेपर में ऐसे चेक करना है आप कोड थोड़ी लिखने बैठ जाओगे पेपर में गेट का पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थोड़ी है भाई यहाँ पे सारा कोड लिखने बैठ जाओ सारा करने बैठ जाओ कि हाँ कैसे आ रहा है क्या आ रहा है मारो गोली गोलियन को बस बेसिक आइडिया रखो अपने दिमाग में कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बस अब आपको आइडिया लग चुका है क्या करा है हमने स्टेप क्या करना है जी सबसे पहले मिड पे आ जाओ तो मिड पे जो भी एलिमेंट होगा बस वही मेजोरिटी है अगर होगा तो नहीं तो नहीं तो अब चेक करने की है। है? ट्वेंटी था था, तो मतलब पूरे लेफ्ट वाले एरे में आकर के फर्स्ट अक्रेंस निकालना भाई ने सर्च के थ्रू और राइट स्टेप राइट हैंड साइड पे गए एक स्टेप राइट में गए देखा ट्वेंटी नजर आ रहा था तो फिर वही बात है पूरे राइट वाले सब जाकर हमने लास्ट अक्रेंस ढूंढनी 20 की

नौ दस ठीक है टोटल टेन एलिमेंट्स कैरे हो गया और बीस छह बार आ रहा है तो मतलब वही बात है जी ट्वेंटी मेजोरिटी तो अब वही चेकिंग हम करवा रहे हैं आपको कि मेजोरिटी है या नहीं है हम चलाएंगे तो सॉर्टेड डायरे है है ना चेक करो आराम से सॉर्टेड डायरे है एन एलिमेंट्स का एंड वी वॉन्ट टू फाइंड मेजोरिटी एलिमेंट एक्सिस्ट और नॉट इन दिस एरे तो मेजोरिटी एलिमेंट एक्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है बट हम सबसे पहले क्या करेंगे मिड निकालेंगे तो देखो जी दस एलिमेंट कह रहे हैं तो एक जमा दस बाय दो फ्लोर फंक्शन विच कम्स आउट टू तो बी फाइव तो वन टू तो थ्री फोर फाइव मैंने इंडेक्स भी लिख देता हूँ ना ताकि हमारे को दिक्कत ना आए वन टेक अनदर कलर जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन टोटल एलिमेंट्स रहे हैं ना तो रहेन बाई दैट इज कमिंग टू बी फाइव तो ये है जी तो मैं क्या बोलूंगा मेजोरिटी होगा तो ट्वेंटी तो इसके अलावा कोई होने का कोई मतलब ही नहीं है कोई सीन ही नहीं है जी ट्वेंटी के अलावा कोई मेजोरिटी हो सके अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है आपको ठीक है जी तो अब हम क्या करेंगे वही काम करेंगे लेफ्ट और राइट right जा जाकर काम करेंगे तो ट्वेंटी होगा तो वही बात है हमारे को क्यों हम लेफ्ट राइट जा जाके काम करेंगे क्योंकि हमारे को फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अक्रेंस निकालने तो लेफ्ट वाले पार्ट से हमारे को फर्स्ट अकरेंस मिलेगी और राइट वाले पार्ट से हमारे को लास्ट अकरेंस मिलेगी तो, आते हैं जी लेफ्ट वाले पार्ट में। तो क्या करना होता था जी ट्वेंटी पे आप खड़े हो एक स्टेप जाओ लेफ्ट में और जाकर के देखोगे ट्वेंटी है हाँ जी है ट्वेंटी है तो फिर भैया पूरा का पूरा ये लेफ्ट वाले एरे में आकर के हम मिड निकालेंगे वही वाली कहानी है ना तो वन प्लस फोर बाई टू दैट इज टू तो ये लोकेशन देखिए हाँ जी क्या है ट्वेंटी है हाँ जी है तो फिर हम लेफ्ट वाले पार्ट में जा करके एक स्टेप लेफ्ट तो जाना है ना वो सेम बार बार रिपीट करना है तो ट्वेंटी हमारे पास आ चुका है मिड ट्वेंटी है तो एक से लेकर चार तक एलिमेंट था ना तो हमारे मिड निकाला तो वन प्लस फोर बाय टू कफलोर फंक्शन दैट इज फाइव बाई टू दैट इज टू तो ट्वेंटी है ये तो अब वही बात है लेफ्ट में जा करके देखना है कि क्या बाई ट्वेंटी मिल रहा है ना जी ट्वेंटी हमारे को नहीं मिल रहा तो हमारे को पता लग गया ठीक है जी दिस इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ट्वेंटी हाँ अब सपोज करो अगर यहाँ पे दस बैठा होता तो ऑफकोर्स मैं राइट वाले एरे में आ जाता क्योंकि हमारे फर्स्ट अकरेंस देखनी है ट्वेंटी की है ना और अगर सपोज कर लो पे थर्टी बैठा होता तो मैं लेफ्ट वाले पार्ट में आता क्योंकि की अकरेंस हूँ तो सॉर्टेड है अगर थर्टी बैठा होता है यहाँ पे मिड पे थर्टी होता तो हम लेफ्ट वाले एरे में चले जाते राइट में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि राइट में तो और बड़े बड़े मिलेंगे हाँ और अगर हमारे को यहाँ पे ऐसे टेन मिल जाता तो हम क्या कहते राइट वाले एरे में आओ क्योंकि पीछे तो टेन से टेन या टेन से छोटे ही होंगे तो बड़े ढूंढने हमारे को तो ट्वेंटी बड़ा ढूंढना है ना क्योंकि ट्वेंटी के हम फर्स्ट अलग ढूंढनी कोशिश कर रहे हैं तो राइट में आ जाते हैं आई थिंक आप समझ पा रहे हो है ना क्लियर हो गया ना तो मैं ऊपर लिख देता तो हूँ बेशक से ये ट्वेंटी था जी यहाँ पे बाई चांस अगर यहाँ पे बाई चांस हमारे को टेन नजर आता तो हम राइट वाले एरिया में जाकर के सारा काम करते और अगर हमारे को यहाँ पे थर्टी नजर आ रहा होता तो हम लेफ्ट वाले एरिया में जाकर के सारे काम करते तो मतलब मेन बात बस जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी भाई लेफ्ट राइट में हमारे कोई कन्फ्यूजन है हमारे को पता है हर हाल में कब लेफ्ट जाना है कब राइट जाना है एंड सॉन तो इसका मतलब सर्च जरूर लगेगी जी यहाँ पे और ये पता है एग्जैक्ट नहीं है थोड़ा सा मॉडिफाइड है आप समझ पा रहे हो ठीक है जी चलो खैर तो हमारी किस्मत अच्छी रही है हमारे को सीधा फटाफट पता लग गया कि ट्वेंटी की फर्स्ट अकरेंस कहां पे है कैसे पता लगे ट्वेंटी की फर्स्ट अकरेंस हम ट्वेंटी देखेंगे पे ट्वेंटी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लेफ्ट राइट क्यों देखते हैं मतलब तो लेफ्ट में क्यों जा रहे हैं जैसे कोई ट्वेंटी था हमारे को इसकी फर्स्ट अकरेंस ढूंढनी है तो हम लेफ्ट वाले एरिया में आ गए तो अब हर बार लेफ्ट 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 ही देखना है हमारे को है ना तो जैसे अब मिड मिला ट्वेंटी तो ट्वेंटी के एक स्टेप लेफ्ट में जाकर देखो ट्वेंटी के एक स्टेप लेफ्ट में जाकर देखा टेन मिल गया तो खत्म है दिखाने फिर अब हमारे को पता है कि यही हमारी फर्स्ट अकरेंस है ट्वेंटी की कन्फर्म हो गया ऑब्वियस है ठीक है तो अगर यहाँ पे भी ट्वेंटी मिल जाता है लेफ्ट वाले पार्ट में तो फिर हम एक और लेफ्ट जाते हैं मतलब फिर वही लेफ्ट वाले एरिया में आकर के फिर मिड वगैरह निकालते हैं सो सारा काम करते हैं ठीक है खैर आप समझ पा रहे हो ठीक है अब हम आते हैं जी लास्ट अकरेंस एकरेंस ट्वेंटी निकालने के चक्कर में तो हम ट्वेंटी पे खड़े थे एक स्टेप राइट गए ढूंढा क्या ट्वेंटी मिलता है हाँ जी मिलता है अगर ट्वेंटी ना मिलता तो हम इसी को बोल देते फर्स्ट अकरेंस है ठीक सॉरी लास्ट एकरेंस ही हो जाती है ट्वेंटी हमारी बट ठीक है जी हमारे को अभी आगे राइट में जाकर देखा तो है तो ट्वेंटी मिला है तो कन्फर्म है जी लास्ट एक्स तो नहीं है क्योंकि आगे ट्वेंटी मिल रहे हैं मुझे तो लास्ट अक्रेंस के लिए हम क्या करेंगे राइट वाले से बारे में आ जाएंगे है ना राइट वाले में आने के बाद फटाफट से हम क्या निकालेंगे जी मिड तो अब कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे पांच एलिमेंट है तो मिड क्या हो गया जी ऑफ कोर्स साठ नहीं समझ में आता तो ऐसे कर ले करो साठ फटोफटाफट फटाफट क्या करो तो आठ आ गया जी यहाँ से तो ये है साठ तो अब साठ बीस से छोटा या बड़ा है ऑफ कोर्स छोटा है सॉरी सात छोटा ही बड़ा है बीस से बड़ा है बड़ा है तो बेटा लेफ्ट वाले एरे में ही हमारे को जाना पड़ेगा तो हमने क्या किया जी लेफ्ट वाले एरे में आ गए राइट में हमारे को अब जाने की जरूरत नहीं राइट को हमारे बोलिए हमारे को क्या करना राइट में जागे तो क्योंकि उससे बड़े मिलेंगे अच्छा जी अब हमने क्या किया फिर वही बात मिट निकालेंगे सात जमा छे बाय दो तो वही बात है छह आ जाएगा क्योंकि हम फ्लोर फंक्शन से काम कर रहे हैं ना तो ये आ गया जी ट्वेंटी अच्छा अब वही बात है प्लीज ध्यान से देखना अब यहाँ पे क्या करना है बेटा हम लास्ट एक्स निकाल रहे हैं Course, के जा राइट जाएंगे ना क्योंकि हम तो अब मेरा अब मेरे को डाउट था कि ट्वेंटी लास्ट अकरेंस है या नहीं है तो हम कॉमन सेंस से बोलेंगे एक स्टेप और राइट में जा करके देखो भाई दिखता है क्या, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता तो हमारे को एक स्टेप राइट जाने के बाद बीस दिख गया कंफर्म तो हो गया जी ये लास्ट, अकरेंस नहीं, है। तो ये लास्ट अकरेंस नहीं है तो फिर हमारे काम खत्म करना पड़ेगा तो राइट वाले, वाले तो जा नहीं सकते तो हमारे को पता लग गया कि दिस इज आवर लास्ट अक्रेंस तो क्या इंडेक्स समझ में आज सात तो शुरुआत का कैसे पता लगा था दो और लास्ट क्या पता लगा सात तो हमने क्या बोल दिया दो से सात तक ट्वेंटी रिपीट हुआ है तो कितनी बारी हुआ जी सेवन माइनस टू प्लस वन कितना आंसर आ गया जी छे तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे छे क्या ग्रेटर देन है दस बाय दो के यस पांच से बड़ा है छे तो मतलब मेजोरिटी एलिमेंट है जी ट्वेंटी इज द मेजोरिटी एलिमेंट अगर ये ना होता तो हम बोलते थे कि मतलब वही बात है अगर ये चार हो रहा था पांच आ रहा होता तो कुछ भी मतलब ट्वेंटी कम टाइम्स होता तो हम बोलते थे कि ठीक है जी नहीं है ये आई थिंक आप समझ पा रहे होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है अब आपकी दिमाग में एकदम अच्छे से बैठे होगा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी है ना बट बस इतना पता होना चाहिए था आपको कि आपने दो बार सर्च लगाइए काम खत्म मोटी मोटी बात यह है मिड फाइंड करा मिड फाइंड करने के बाद हमारे को पता लग गया कि हाँ जी यही जो ट्वेंटी है यही मेजोरिटी होगा इसके अलावा कोई हो नहीं सकता तो ट्वेंटी की फर्स्ट अकरेंस ढूंढने के लिए लेफ्ट हैंड साइड एरे में जा, भी जाना है राइट में भी जाना है लेफ्ट में जाना है, में जाना है तो भी बाइनरी सर्च लगेगी राइट में जाओगे तो भी बाइनरी सर्च लगेगी तो दो बार बाइनरी सर्च लगा करके हमारा काम खत्म हो जाएगा बस काम खत्म सीधी सी बात लॉग इन टाइम में काम हो गया

हमने क्या किया भाई अब मेरा क्लेम है कि क्या ये फर्स्ट अक्रेंस है ट्वेंटी की तो एक लेफ्ट स्टेप जाकर देखा लेफ्ट स्टेप जाकर के देखा तो टन नजर आ रहा था तो पता लग गया हाँ जी कन्फर्म हो गया कि ये फर्स्ट अक्रेंस है ट्वेंटी एंड सॉन है ना आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आसान है इसमें कुछ नहीं है अब वही बात है इसको खींचने वाली बात आ बेटा और खींचू क्या इसको चलो तो एक एक होमवर्क में देखे फागू तुम्हारे को ठीक है चलो दस बीस अब अब बार बार पता नहीं क्यों बीस बीस निकल रहा है चलो पांच छ छ सात सात चार सॉरी अरे तो सॉर्टेड है ना आठ नौ दस ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह एलिमेंट कह रहे हैं जी बारह एलिमेंट कह रहे हैं तो बारह बाय दो मतलब छह से ज्यादा बार जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा वो हमारा मेजोरिटी होगा ठीक है ना क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमने क्या दिया था Uh, मोर uh, दे तो क्वेश्चन तो है, है ना जैसे क्वेशन कह वैसे कह देंगे तो हमने अब यहाँ पे क्या निकाले थे छह तो मैं क्या कहूंगा सात या सात से ज्यादा बार जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो मेजोरिटी होगा क्लियरली हमारे को दिख रहा है यहाँ पे कोई मेजोरिटी नहीं है, है ना बट अलग्रदा फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या सीन हमारे सामने नजर आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड तो सबसे पहले टा जमा एक बाई दो मतलब यहां से क्या निकला जी छे। है? I think I Mid is this. तो मैं मैं ये क्लेम बोलूंगा कि छ हमारा जो है वही जो अगर होगा तो ये मेजोरिटी होगा इसके अलावा कोई नहीं होगा तो अब मैं देखूंगा कि इसकी फर्स्ट अकरेंस कहा है और लास्ट अकरेंस कहा है तो छे की फर्स्ट अकरेंस के लिए हम लेफ्ट वाले एरिया में जाएंगे बट एकदम ऐसे कूदना नहीं है आप एक स्टेप लेफ्ट जाओगे पहले देखोगे छे मिल गया तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा क्लेम कि ये फर्स्ट अकरेंस है गलत हो गया क्योंकि पीछे भी मेरे को छ नजर आता है तो अब मैं इस पूरे सब एरे में आऊंगा लेफ्ट वाले पार्ट में आऊंगा अब छे की खोज करूंगा तो वही बात है मिड निकालूंगा पहले पांच एलिमेंट है तो सीधा यहाँ से देखा हमने ये मिड निकल गया एक जमा पांच बाय दो तीन ये मिड निकल गया मिड में छह बैठा है तो फिर वही बात है जी हमारे को अब लेफ्ट जाऊंगा राइट जाऊँ अफकोर्स वही लेफ्ट जाऊंगा अभी मैं क्या बोलूंगा कि ये क्लेम देना कि ये छह मेरा फर्स्ट अकरेंस है तो मैं क्या करूंगा देखने के लिए एक बार लेफ्ट और जाके देखूंगा भाई लेफ्ट में छह नजर आता है क्या मेरे को लेफ्ट में छह नजर आएगा तो मैं बोलूंगा ना 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 ये फर्स्ट अकरेंस नहीं है क्योंकि अभी पीछे भी छह बैठे हैं ठीक है तो अब इस वाले छह पे मैं आ करके खड़ा हो गया तो सॉरी दिख गया ना तो बस अब यहीं पर रुक गया मैं है ना लेफ्ट में मेरे को छह नजर आ गया तो अब मैं वही सारा कम रिपीट करूंगा मतलब लेफ्ट वाले सवेरे में आ जाऊंगा

अब लास्ट इंडेक्स निकालने का बहुत बढ़िया तरीका था जी है ना तो लास्ट इंडेक्स के लिए वही काम करेंगे मैं बोलूंगा कि ये लास्ट है पहले तो जूम कर लो कि लास्ट है सिर्फ थ्योरी बना रहा हूँ कहानी बना रहा हूँ कोडिंग वोडिंग तो आप करना जानते हो और इतना हमारे को जरूरत भी नहीं है करना चाहते तो, तो होमवर्क है जी आपके लिए अपना करके देख लेना तो मैं जूम करूंगा कि हाँ जी ये लास्ट है तो लास्ट है तो फिर राइट में जाकर देखो राइट में जाकर देखो तो साथ नजर आ रहा है तो बस बढ़िया हो गया काम हमारे क्लेम बिल्कुल ठीक हो गया कि हाँ जी लास्ट अक्रेंस है ये ठीक है अगर यहाँ पे बाई चांस मेरे को छह नजर आता तो मेरा क्लेम तो गलत हो जाता कि ये लास्ट अकरेंस है तो फिर सारा का सारा काम हम यहाँ पे आकर के रिपीट मारते ठीक है तो बेशक से कोई बात नहीं यहाँ पे ले लो छे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ये तो एक स्टेप में खत्म हो रहा था ना लास्ट अकरेंस ये की तो मजा नहीं आया ज्यादा तो मैं यहाँ पे एक छे रख लेता हूँ अब आएगा असली मजा तो राइट में आकर देखा छह नजर आ गया तो भैया मेरी तो ये लास्ट चक्र है स्नान नहीं हो चेगी तो हम पूरे राइट वाले सवेरे में आ गए राइट वाले एयरे में आने के बाद हमने निकाला फटाफट -फड़ से मिड तो बारह जमा सात बाय दो कितना हो गया जी ये उन्नीस बाय दो मतलब आ, दस न? एक मिनट रुकना नो आएगा नो सॉरी फॉर दैट उन्नीस बाय दो फ्लोर फंक्शन करना ना सीलिए सॉरी करना है फ्लोर करेंगे तो नाइन आएगा नाइनटीन बाई टू दैट इज नाइन ठीक है जी सात आएगा जी सात बढ़ाएगा छोटा ऐसे से बड़ा है अच्छे से इसका मतलब हम लेफ्ट वाले एयरे में आएंगे लेफ्ट वाले एल में आकर के खड़े हो गए अब इसका निकालेंगे जी मिड है ना और अब अब एक बात ये भी ध्यान रखना जैसे सात निकला था तो अब लेफ्ट में जाके ढूंढना या और कोई करना वो नहीं करना आपको एक स्टेप लेफ्ट को जाए भाई सात तो ऑलरेडी छह से छोटा है सॉरी सात तो ऑलरेडी छह से बड़ा है तो लेफ्ट वाले आरे में आ, काम करो है ना अब एक स्टेप लेफ्ट आकर के देखने का वो सब सीन नहीं है है ना वो सीन कब बनता है जब हमारे को छह मिलता था अब इसे देखो यहाँ पे हमने देखा था छे था तो लेफ्ट में आकर के देखा था हमारे पास छे था तो अब पूरा एरे पे हमने चलाया लेफ्ट वाले पार्ट पे चलाया मिड निकाला तो क्या निकला जी छे तो फिर वही बात अब छे निकला तो फिर हम लेफ्ट में जाकर के देखेंगे एक स्टेप छे निकलाया था तो उसका मतलब फिर वही बात हमने पूरे वो सब किया था तो अब यहाँ पे सात निकला जी छे नहीं निकला सात निकला तो फिर मैं लेफ्ट में ओर जाकर के क्या क्या देखू हमको ये थोड़ी क्लेम कर रहे हैं साथ की अकरेंस थोड़ी ढूंढ रहे हैं हम तो छे की फर्स्ट अकरेंस सॉरी लास्ट अकरेंस ढूंढ रहे हैं क्योंकि राइट वाले लिस्ट में है ना तो हम छे की लास्ट अकरेंस ढूंढ रहे हैं सेवन की लास्ट अकरेंस थोड़ी ढूंढ रहे हैं है ना और लेफ्ट भी क्यों हमारे को तो राइट जाकर के देखना है ये सब कर... मतलब कुछ नहीं करना बस ज्यादा फालतू तो की टेंशन मत पालो कंफ्यूज हो जाओगे सात पे आकर के खड़े हुए हो छह नहीं आए जी छह नहीं आया तो फिर मैं फालतू तो की टेंशन नहीं पालूंगा कि लेफ्ट जाऊँ राइट मत देखूं या राइट देखूं कुछ नहीं करना जी कायदे से तो अगर यहाँ पे मेरे को छे मिलता तो मैं बोलता इसको कि क्लेम है मेरा कि ये लास्ट अकरेंस है लास्ट अकरेंस है तो फिर वही बात है राइट में जाकर के ढूंढना है है ना लेफ्ट में थोड़ी जाकर ढूंढना है क्योंकि लास्ट अकरेंस की हम खोज में है तो राइट में आकर के मेरे को देखना था कि क्या यहाँ पे छे है अगर यहाँ पे भी छे होता तो फिर मैं और जाता नहीं तो फिर मैं बोल के भाग जाता अगर यहाँ पे छह के अलावा से आठ नजर आ रहा था तो बोल देता कि ठीक है दिस इज द लास्ट अकरेंस ऑफ है ना आई थिंक ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है हाँ जी तो मेन बात क्या थी जी हमारे को मिला सात तो मैं क्यों लेफ्ट राइट है वो सब टेंशन पाल लो मैं सीधा बोलूंगा जी छे तो नहीं है ये छे नहीं तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि सात आया मेरे को छे की तलाश थी और छे तो सात से छोटा होता तो मतलब मेरे को सीधी लेफ्ट सब एरे में आना है काम वहीं से शुरू करना है तो जी मैं लेफ्ट वाले एरे में आ गया अच्छा जी अब लेफ्ट वाले आने में आ, लेफ्ट में आने के बाद फिर वही बात मिनट निकालेंगे सात जमा आठ बाय दो कितना निकला जी ये सात निकला या तो मतलब ये छे, तो अब मैं क्या कहूंगा अच्छा ये तो जो छह की तलाश थी वो छे ही मिला है तो अब मैं क्या करूंगा अब लेफ्ट जाऊंगा कि राइट बेटा ऑफ कोर्स प्लीज यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी क्योंकि हम लास्ट अकरेंस देख रहे हैं तो मैं यहाँ बोलूंगा कि माई क्लेम इज देट किन इज द लास्ट अक्रेंस ऑफ सिक्स तो अगर ये एक्चुअली में लास्ट अक्रेंस है की तो एक स्टेप राइट में जाकर के ढूंढो एक स्टेप राइट में आकर के देखा कि सात नजर आता है जी

ठीक है ना हाँ और एक बात ये भी ध्यान रखना बेटा मैं राइट में तभी जा पाया हूँ क्योंकि दो एलिमेंट थे हमारी लिस्ट में जब हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो दो एलिमेंट है हमारे पास लिस्ट में सात और आठ अगर एलिमेंट ही एक होता तो फिर तो वही बात है उसी को हमारे को रिटर्न कराना पड़ता जैसे हमने पहले प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था हम वही बोल देते कि ठीक है जब एलिमेंट ही एक है और वही छः है तो बस वही बात खतम जैसे द लास्ट एक्स राइट में हम जा नहीं सकते थे क्योंकि लिस्ट में और एलिमेंट ही नहीं थे हमारे पास याद करो बाइनरी सर्च वाली बात है ठीक है क्या आप पकड़ गए ओगे नोट डाउन करो उसको

ठीक है गेट का सवाल ये था और अब हम सॉल्व कर चुके हैं इसको तो हमारे पास थीटा लॉग ना अभी मैंने आपको बता दिया है पहले तो मिड निकालना है उसमें कॉन्टेंट टाइम लगा और वही पता लग गया कि हाँ जी मेजोरिट एलिमेंट होगा तो यही नहीं तो और कोई नहीं होगा उसके बाद फिर लेफ्ट वाली साइड भी जाना है राइट वाली साइड पर जाना है तो लेफ्ट वाली साइड में वही पता है बानिशत लगेगी राइट right वाली साइड में भी वही बात है बारिश लगेगी तो दो बार लॉग एंड टाइम काम खत्म उसके बाद फिर कॉन्स्टेंट टाइम ही लग रहा है वही देखने की फर्स्ट एंडक्स निकल चुका है लास्ट एंडेक्स निकल चुका है मेजोरिटी जो भी एलिमेंट होगा उसका मतलब जो भी मिड पे बैठा है उसका फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस निकल चुकी है बस उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है

तब देखते हैं जरा ठीक है तो अब सॉर्टेड मिसिंग है तो पहली बात ये समझ लो बेटा बाइनरी सर्च की तरफ तो भूल के भी मत चले जाना कि हाँ जी बाइनरी सर्च लगाएंगे आंसर निकालेंगे आंसर ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी ठीक है जी चलो तो आप कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे उससे हमारे को समझ में आएगा कैसे हम काम कर सकते हैं अच्छा चलो एक पहले एक बात ये बताओ पहले हम सिंपल काम डायरेक्ट अच्छे एलगोरिम को नहीं पढ़ाता क्योंकि फिर आपको लगेगा कि डायरेक्ट आपने बता दिया थोड़ा सा पहले तुम्हारी कॉमन सेंस देखते हो तो तुम क्या करोगे सॉर्टेड की मिसिंग है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आ गया सर इसको शॉर्ट कर लो तो अगर बेटा तुम शॉर्टिंग करना चाहते हो ना अगर तुम शॉर्टिंग करना चाहते हो तो हमने वैसे आगे देखनी है मर्ज शॉर्ट क्विक शॉर्ट एंड सॉन वही लगाई जाती है वो लगाती है खर्च कर लोगे जी उससे कम में काम नहीं होने वाला

पढ़ाऊंगा मैं आगे ऑफकोर्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि जबी भी की बात आएगी आपको आंख बंद करके बोलना unlogan, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है कंडीशन होगी तो उसके सब देख लेंगे so तो याद रखना है आपको गया आपको शॉर्ट करना है एन लॉगन टाइम बस ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं नो इफ नो बट कुछ नहीं सीधी बात बोलो एन लॉगन अगर एन एलिमेंट्स कह रहे हैं तो कितना टाइम लगा होगा इसको शॉर्ट करने में

नहीं इसके लिए एक बड़ा ब्यूटीफुल एल्गोरिथम है एंड ऑफ कोर्स वो आपको एकदम गेस्ट नहीं होगा है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे काम करेंगे आओ आओ आगे आओ हो गया जी ओके okay, आ जाओ आगे एग्जाम्पल देख जाओ जैसे अनसॉर्टेड एरे है जी ठीक है ना सॉर्टेड नहीं आप चेक कर सकते हो अब इसमें मेजोरिटी एलिमेंट क्या है जी एलिमेंट गिनो कितने हैं जी इंडेक्स वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बाई टू दैट इज टू पॉइंट फाइव टाइम से रिपीट हो, रहा वो हमारा आंसर हो तो मतलब है तो, तो दस तीन बार रिपीट हो रहा है तो yes. तो लिए देखो बेटा तो तो से लिखना मैं क्या करूंगा मैं क्या बोलूंगा हमारे पास इनिशियली एक होगा मेजोरिटी एलिमेंट एम ठीक है ना और आई एक हम इन, आ, ही लेते हैं इनिशियली हम आई की वैल्यू जुड़े रखेंगे तो एक छोटा सा मैं रूल तुम्हारे को बता रहा हूँ रूल क्या है जी Whenever whenever i is equal to zero, whenever i is is equal equal to to we we will store, we will store, store current element of array in एलिमेंट M. M को स्टोर करंट मतलब वही बात है हम को स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट इनिशियली हमारा पॉइंटर टेन पे खड़ा होगा तो जहां पे भी हमारा करंट एलिमेंट होगा ना उसको आपको स्टोर करा देना है एम में बात समझ आएगी रूल क्या है जी वेन एवर आई इज इक्वल टू जीरो जो कि हमने इनिशियली माना हुआ है वी विल स्टोर द करंट एलिमेंट ऑफ एरे जो भी करंट एलिमेंट आ रहेगा उसको हम एम में स्टोर करा देंगे तो करंट एलिमेंट वही पॉइंटर जहाँ जहाँ पे भी हम शुरू कर रहे हैं वहाँ से आई थिंक समझ गएगी ऑब्बियस बात है ठीक है जी चलो जी तो इनिशियली हमारा करंट एलिमेंट क्या है जी टेन है ठीक है तो हम आई लिए जीरो है तो हम एम में क्या करेंगे जी टेन को स्टोर करा देंगे

तो क्या ये दोनों सेम है नहीं है सेम नहीं है देन आई विल डिक्रीमेंटेड बाय वन दैट मींस अगेन आई विल बिकम जीरो आई जीरो हो गया अच्छा अब मैं क्या कहूंगा अब अब वही बात है पॉइंटर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा ट्वेंटी की कहानी हो चुकी है ना ठीक है ट्वेंटी को हम कर चुके हैं मतलब तो पढ़ चुके हैं फिर हम आगे टेन पे अब वही बात रूल लगाना है क्या वेन एवर आई जीरो जो भी हमारे पास एरे में एलिमेंट हो जो भी करंट एलिमेंट होगा वो एम में स्टोर हो जाएगा तो टेन को काट के वापस से मैंने टेन रख दिया और रूल जो हमने बनाया था आई की वैल्यू को वन कर देंगे ऑफ कोर्स पॉइंटर आगे बढ़ेगा थर्टी पे आ गया तो हमने देखा थर्टी और टेन कंपेयर किए सेम तो नहीं है सेम नहीं है बाद फिर वही बात आई की वैल्यू जीरो है रूल क्या था हम जो भी आई की वैल्यू जीरो तो जो भी करंट एलिमेंट होगा वो एम में चला जाएगा तो अगेन एम ए टेन स्टोर कर देंगे मतलब अपडेट कर रहे हैं बार बार है ना वही टेन स्टोर हो गया अब पूरा रे खत्म हो चुका है अब मैं फाइनली क्या कहूंगा जो भी एम में होगा ना वही मेजोरिटी एलिमेंट होगा हम क्या कहेंगे कि इफ मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट देन इट विल बी टेन और कोई मेजोरिटी नहीं होने वाला ये मेरा छोटा सा एक क्लेम है आई थिंक समझ गए आप लोग ठीक है तो इसके मैं बहुत ज्यादा प्रूफ में नहीं जाऊंगा इट विल सिंपली वेस्ट अव अ टाइम मैं बस इतना कहूंगा कि अगर मेजोरिटी एलिमेंट एक्जिस्ट करता होगा तो टेन है इसके अलावा कोई नहीं है बस ठीक है तो मैं क्या कहूंगा नाउ इफ मेरे को नहीं पता एग्जिस्ट करता कि नहीं करता बट हमारी कंडीशन नहीं रहेगी इफ मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इफ मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट देन इट विल बी टेन इट विल बी टेन बस तो अब हम क्या करेंगे अब हम फिर से एक स्कैन और करेंगे अरे अभी तक हमने एक स्कैन किया जेरे का तो सॉरी कॉन्स्टेंट को ठीक लगा दिया टाइम लगा दिया हमने एक एक बार आर को स्कैन कर दिया है और वो फालतू के ये तो कॉन्टेंट टाइम में लेंगे ना आई में इंक्रीमेंट करना है एम को अपडेट करना है तो मतलब एक लूप लगाइए मोटी मोटी बात ऐसे करो एक लूप लगाइए टू टू सॉरी है ना इंडेक्स ये आई के लिए हम ये काम कर रहे हैं तो चलो ठीक है यार जे ले लो

बोलना भी नहीं चाहिए मुझे आप समझ पा रहे हो ठीक है जैसे थ्री आया तो आप देख पाते पांच एलिमेंट थे ना अरे में तो पांच बाई दो टू तो टू से तो हमारा थ्री बड़ा है तो हम क्या कह देंगे यस टेन इज द एलिमेंट काम खत्म इतना ब्यूटीफुल समझ आया मेरे को पता एकदम आपको समझ में आएगा कोई बात नहीं टेंशन मतलब एक दो और कराता हूँ एग्जाम्पल उससे समझ में आ जाएगा तो मतलब क्लैरिटी गई तो सबसे पहले हमारे पास जो भी लास्ट में एम की वैल्यू है वही होगा मेजोरिटी अगर है तो नहीं तो नहीं तो अब फिर चेकिंग करनी है तो पहले एक स्कैन किया स्कैन वन बस मोटा मोटा ऐसे ध्यान रखो स्कैन वन थीटा टाइन टाइम उसके बाद फिर दोबारा से आपने एक और स्कैन करा काउंटिंग करने के लिए स्कैन टू तो फिर बात थीटा टाइम तो अल्टीमेटली कितना आंसर हो गया जी थीटा इज द आंसर सो 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 सिंपल दो बारी स्कैनिंग करना है बस रफ बात किया करो पूरा डिटेल में जाओगे बेटा अलग बैठ मिनट तुम्हारे को सारी उम्र नहीं आएगी बस ऐसे बात करो दो बार स्कैन किया काम करता तो and, तो थीटा थीटा दैट्स इट टाइम में हमारे पास आंसर आ रहा है ऐसे करना है पेपर में भी ऐसे होगा बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर है तुम्हारा कोई कोड लिखने थोड़ी बैठ जाओगे पेपर में मोटी मोटी बात ऊपर पर चलाया करो जैसे हमने प्रीवियस में देखा था अभी दो बार, बार, बार तो काम खत्म, बस ऐसे बोल के भाग जाओ लॉगन प्लस बाकी और एग्जांपल ठीक है तो तीस दस दस बीस ऐसे करके हमारे पास है जो एलिमेंट दिख रहा है हमारे पास दस है तो कोई बात नहीं एक बार लिख लेते हैं लेबलिंग वन टू थ्री फोर फाइव पांच एलिमेंट है ठीक है जी तो हम क्या करेंगे जी इनिशियली आई की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी और एम हम ले करके चलेंगे तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे है आई की वैल्यू जीरो है तो जो भी करंट एलिमेंट होगा वो हमारा एम में स्टोर हो जाएगा एम में हमारे पास थर्टी स्टोर हो गया ठीक है जी फिर थर्टी का हम काम कर चुके हैं तो हम आगे आ जाएंगे और सॉरी फॉर देट हाँ ठीक है आगे आ जाएंगे और आई की वैल्यू वन कर देंगे है ना याद है ना आई की वैल्यू इनिशियली जीरो रखनी है एम में हमारे पास फिलहाल कुछ था नहीं करंट एलिमेंट हमारे पास थर्टी था तो हमने देखा आई वैल्यू जीरो है रूल हमारे को पता था जैसे आई वैल्यू जीरो होगी तो करंट एलिमेंट जो भी होगा वो में आ जाएगा और आई मेन एलिमेंट हो जाएगा आपने आई की वैल्यू वन कर दी अब हम टेन पे खड़े हैं जी कंपेयर किया टेन और थर्टी को सेम तो नहीं है तो आई की वैल्यू क्या होगी जी जीरो अब इस टेन की काम खत्म कर चुके हैं हम इसकी तो प्रोसेसिंग हो चुकी है ना मतलब इसके लिए जो भी करना था कर चुके हैं तो अब नेक्स्ट इधर आ गए नाउ दिस इज योर करंट एलिमेंट रूल याद रखना है आई की वैल्यू जो है करंट एलिमेंट क्या है जी टेन है तो हम एम को अपडेट करेंगे टेन से एंड इट विल बिकम वन ठीक है नेक्स्ट क्या दिखा जी अब आएगा सी मज़ा टेन यहाँ पे भी टेन है

અને બસ સમજમાં આગે ના અબ ઓર એક્ઝામ્પલ કરતા હો ઓર સમજમાં આયેગા નો ડન કરો અબ આગે યહાં પે ચેક કરતા હે કે કૌનસા મેજોરટી હે યહાં દિખિ રહા હૈ કૌઈ હૈ નહીં કૌઈ રિપીટેડ હી નહીં કૌઈ બાત નહીં ચલાતે હે મજા આયેગા તો ઠીક હૈ જી સબસે પહેલે આઈ કે વેલ્યુ ક્યા હૈ 0 ઓર એમ કે વેલ્યુ હમારે પાસ કુછ હૈ નહીં તો અબ આઈ કે વેલ્યુ 0 હે ઓર હમ બોલेंगे જો ભી હમારા કરંટ એલમેન્ટ હોગા વો એમ મે જાકર કે સ્ટોર હો જાયેગા પાંચ સ્ટોર હો ગયા યાર મે એમ મે સ્ટોર હો ગયા 5 ઓર આઈ કે વેલ્યુ હો ગઈ 1 ઇસકી પ્રોસેસિંગ હો ચુકી હૈ અમિત રાગે पांच और नौ को कंपेयर किया तो क्या समझ में आया जी कम्पेरिजन नहीं बैठा यहाँ पे तो हमने वन को काट के जीरो कर दिया इधर आगे जी अब क्या बोलना है जो रूल था हमारा रूल तो यही कहता था कि आई की वैल्यू जीरो है तो जो भी आप पढ़ते उसको ले आना जी तो पांच को काट के हमने तीन बना दिया और आई की वैल्यू होगी जी वन फिर वही बात आगे बढ़े दस और तीन को कंपेयर किया तो बेटा बराबर तो नहीं आए नहीं आए तो आई की वैल्यू क्या होगी जी जीरो तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट ये हो गया

ठीक है हमारा गोली हमारे को कोई मतलब नहीं है बस मेन बात क्या है कि ये यहाँ पे अब हमारे को कह रहे हैं कि जो एलिमेंट टू होगा टू अलावा कोई नहीं अगर हो होगा तो बस अब हमने स्कैन किया रेखो और काउंटिंग करा तो नहीं निकला बात खत्म हो जाएगी हमारी तो मैं जो टेलमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता खत्म आई थिंक इन सब एग्जाम्पल से आपको ए, एक एकदम एकदम क्लैरिटी आ गएगी कि हम कैसे निकाल रहे हैं ठीक है और कराऊ एग्जाम्पल मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है पर चलो ठीक है चाहते हो तो लो पाँच छ सात दस दस सॉर्टेड नहीं रखना ना तो चलो कोई बात नहीं आ गया तो फिर कर लेंगे आठ फिर दस फिर दस फिर सात फिर दस फिर चार ठीक है इसकी चेकिंग करते हैं एक ये क्या बोलता है जी ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एलिमेंट है ग्यारह में हमारे को अगर चलो मेजोरिटी चाहिए था हमारे को तो दस बार बार रिपीट होना चाहिए था जी है ना तो लो जी एक बार यहाँ करा देते हैं और चलो यहाँ सात रहने दो एक बार यहाँ दस करा यह चलो यहाँ पे चार रहने दो मतलब आपको लग रहा होगा कि लास्ट में जो हो रहा है उससे हो रहा होगा कुछ तो मैं वो भी हटाना चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग से वो हो गया कितना हो गया एक दो तीन चार पांच लो जी इसको हटाओ तुम यहां से अरे भाई रबड़ क्यों नहीं आ रहा हाँ अब ठीक है तो चलो एक ही, ही लिख लो तो एक दो तीन चार पांच छो तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह हाँ, ठीक है ग्यारह एलिमेंट है छह बारी हमारा दस रिपीट हो रहा है दस सीदम एलिमेंट चेक करते हैं कि क्या ये अब हमारा एलोट एकदम बता पाता है कि नहीं बता पाता दस शुरू हो जाइए फटाफट तो इनिशियली हमारा करंट यहाँ पे होगा है ना आई की वैल्यू इनिशियली जीरो होगी एम की वैल्यू हम ले करके चलेंगे तो इनिशियली हम आई के व्यू जरूर थी रूल याद रखना जो भी करंट है उसको उठा करके स्टोर करा दो और आई को इंक्रीमेंट मार दो छह दिखाई दिया छः और दस को कंपेयर किया जी ना जी ना कंपेयर तो मतलब नहीं बैठा तो हमने आई की वैल्यू जुरू कर दी अच्छा पॉइंटर हमारे यहाँ पे खड़ा था प्लीज ध्यान रखना पॉइंटर यहाँ पे था एक बार दस को आपने प्रोसेस प्रोसेसिंग कर ली तो पॉइंटर इधर आ गया और छः और दस को कंपेयर किया तो बात नहीं बनी तो हमने वन को काट के जरूर कर दिया अच्छा जी उसके बाद फिर हम और आगे बढ़े छह की बात कर चुके अब इधर आगे इधर आने के बाद अब हम क्या कहेंगे जी सात है और आई की वैल्यू जीरो है तो हम सीधा क्या बहुत बोलेंगे जो रूल है हमारा इसको सात कर दिया और इसको वन कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट देखा जी टेन टेन दिखाई दिया तो हमने क्या किया जी आ, यहाँ पे वन था और यहाँ पे दस और सात को कंपेयर किया तो बराबर तो नहीं निकले इसको जीरो कर दिया और इधर आ गए हम ठीक है अभी अपडेट नहीं कर पाए इधर आ गए हम अब दस अब अब रूल याद रखना जीरो है तो जो भी है करंट एलिमेंट उसको उठा करके इसमें शोर कराया दस को स्टोर करा दिया जी और इसकी वैल्यू क्या कर दी वन इधर आ गए जी आठ पे आठ और दस कंपेयर किया बराबर तो नहीं है जी बराबर नहीं है तो हमने इसको काट के जीरो कर दिया इधर आगे जी अब जो भी हमारे को दिख रहा है एलिमेंट उसको उठा करके आप क्योंकि आई के लिए जो है रूल हमारे को याद रखना है जो भी एलिमेंट होगा उसको उठा करके इधर स्टोर करा देना हाँ अब यहाँ पे एक छोटी सी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो तो उससे टाइम वो पैसे में फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन छोटे से मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि पहले बटन है अभी भी टेन है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैचिंग होगी तो आई को इंक्रीमेंट कर दो वो भी बोल सकते हो अगर वो सब तो ठीक है आप मॉडिफिकेश्स तो अपने हिसाब से जितनी मर्जी कर लेना बट मैं पढ़ाऊंगा तो फलतु तो में कन्फ्यूजन आएंगी जो हमारा बेसिक है उसी हिसाब से चलते हैं आज तो क्या सीखा जी एम आई टू जीरो जीरो है तो हमारा रूल है जो करंट एलिमेंट होगा वो आ जाएगा इसमें तो मैंने इसको काट के दस कर दिया ओकेम से ही काट के दस करो या फिर आप बोल दो दस दो दस कंपेयर हो, हो गया सेम हो गया सेम हो गया तो फिर आप इंक्रीमेंट कर देना है ना तो ठीक है खैर तो हमने अपना पुराना वाला काम किया तो दस दिखाई दिया था हमने दस को स्टोर करा दिया और जीरो को काट के बंद कर दिया जो हमारा रूल था वो चलाया फिर इस दस की तो बात कर चुके थे अब इस दस पे आगे दस और दस कंपेयर किया हाँ जी सेम है तो इंक्रीमेंट करके टू कर दिया फिर इधर आ गए जी दस और दस सेम है जी इंक्रीमेंट करके तीन कर दिया फिर दो दिखाई दिया दो और दस तो सेम नहीं है जी तो डिक्रीमेंट करके दो कर दिया फिर चार पे आए जी दस और चार सेम तो नहीं है जी फिर डिक्रीमेंट करके एक कर दिया ठीक है क्या जो भी है फाइनली हमारे पास टेन दिखा है तो हम बोलेंगे कि मेजोरिटी एलिमेंट टेन है टेन के अलावा कोई नहीं होगा जी काम खत्म अब ढूंढेंगे काउंटर लगा करके और पता लग जाएगा मैं आपको देना चाहूँ प्रूफ में ज्यादा नहीं घुसना चाहता बट हल्का साइड दे देता हूँ जैसे ऐसे मैं कहता हूँ फिर बाकी चार बारी कोई और एलिमेंट है पांच चार तीन दो ठीक है तो पांच बारी दस आया है और चार बारी कोई और दूसरे एलिमेंट आए हैं मतलब अलग 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 एलिमेंट्स आए तो तुम एक बार जरा ये समझो हमारे पास एम की वैल्यू क्या चलेगी जी थोड़ा सा आपको अब आप समझ में आ जाएगा कि ये एल्गोरिथम क्यों ठीक ठाक काम कर रहा है यहाँ पे हम इनिशिय खड़े थे आई की वैल्यू इनिशिये जीरो थी दस दिखाई दिया तो जो भी पहला दिखाई दिया आपने उसको स्टोर करा दिया और आई को इनक्रीमेंट कर दिया तो मतलब ये वन बता रहा है कि दस एक बार ही आ चुका है जी अब तक नेक्स्ट दोबारा देखा तो फिर हमने इसको टू कर दिया तो दो बार आ चुका है फिर नेक्स्ट देखा तो हमने इसको तीन कर दिया क्योंकि हम कंपेयर कर जा रहे साथ साथ फिर ये अगला देखा दस सर कंपेयर किया मैचिंग हो रहा है तो चार कर दिया यहाँ देखा दस सौ दस कम्पेयर किया हाँ जी ठीक है जी पांच कर दिया

तो अब मैं क्या कहता कि अब दस और आठ को कंपेयर कराता और अब मैं बोल देता कि मैचिंग नहीं बैठी तो मैं इसको काट के जीरो कर देता है ना और अब जो भी अगला एलिमेंट होता चाहे होता होता चाहे जो भी होता वो जो देखते फिर हम अपडेट मारते हैं थोड़ा थोड़ा आईडिया लगा होगा कि यस की बात हमारी बनती है कि अब जैसे देखो ये अगर हमारे पास आठ नहीं था तो हम एक पे ही रह जाते तो हम ये कह सकते थे कि इज टेनिस दफकोर्स मेजोरिटी एलिमेंट तो हमारे को जो दिख रहा है वो होगा तो वही मेजोरिटी है नहीं तो और कोई नहीं होगा इस तरीके से हमने जो क्लेम किया था वो लगभग हमारे को ठीक ठाक दिख रहा होगा थोड़ा सा देखो एनालाइज करो बस मैं और ज्यादा नहीं इसमें घुसना चाहता डेट तो मतलब मुट हमारा काम खत्म तो मतलब मोटी मोटी बात हमारे समझ आ चुकी है वी जस्ट नीड टू स्कैंस काम खत्म ठीक है तो क्लियर हो गया अब आ जाओ पीछे फाइनली अब हम क्या कहेंगे यही सबसे बेस्ट वे है जी पढ़ने का तो जो गेट दो हजार आठ का क्वेश्चन था हमने इसको हर एंगल से देख लिया एक मॉडिफिकेशन कराई कि यहाँ पे हमने बोल दिया कि वो एक्जिस्ट करता ही ऑलरेडी तो ठीटा वन टाइम हमारा आंसर होता ठीक है तो डी इज दी एग्जिस्ट अगर हम कह दें इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट ठीक है जी और थीटा एन इज द आंसर अगर सॉर्टेड कीवर्ड मिसिंग है तो सॉर्टेड कीवर्ड मिसिंग है तो फिर थीटा इज द आंसर क्योंकि हमने जो बेलगुर्द पढ़ा है वो लगाना पड़ेगा जी आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा ठीक है जी थैंक यू सो मच बाय बाय वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मर्च शुरू कर देंगे जी बाय हेलो एवरीवन अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है आप प्लीज वीडियोस को लाइक करते रह करो अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पर राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक पर क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो मुझे इसमें दिक्कत नहीं है आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हो बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके कि डाउट्स अलग अलग हो हम जैसे टी का अलग चैनल हो कंपाइजर का अलग चैनल हो आ, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड एंडसोन तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है है ना एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ फ्री है भैया ना मैं किसी चीज़ के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेशन देना चाहते हो आप मोस्ट वेलकम आप दे सकते हो बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया एवरीथिंग विल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने मुझे कब भी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे ठीक है जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो ओके थैंक यू सो मच बाय